हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है हैज मनी ब्रॉट यू फ्रीडम। सो हम कई बार सोचते हैं कि अगर 5 करोड़ रुपया, जो फिर इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, अगर हमारे बैंक अकाउंट में हो जाएगा तो हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली हो जाएंगे एंड मस्त जिंदगी जिएंगे। तो ये मस्त जिंदगी होता क्या है? क्या आप सारा दिन बेड में रेस्ट करते रहेंगे, सर्वेंट्स आपके आसपास रहेंगे, कभी आपको ग्रेप्स दे रहे हैं, कभी टी दे रहे हैं, क्या वो जिंदगी है? या वो जो इंद्रवदन एक कैरेक्टर है सारा भाई वैसे सारा भाई में, क्या वो एक कैरेक्टर होगा कि भाई एकदम चिल जिंदगी जी रहा है, हो सकता है कॉमिक बुक पढ़ रहा है ड्यूरिंग द मंडे मॉर्निंग। बट रियलिस्टिकली आप देखें तो फ्रीडम इज नॉट दैट। ये एक्सपेक्टेशन कि काम नहीं करना है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, वो अनरियलिस्टिक है, बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज प्राइम्ड टू वर्क। तो अगर स्लॉगिंग करना ही है फिर जीवन के अंत तक आप रिटायर बोल के, ऐसा है ही नहीं कि बैठ के मस्त चिल मार रहे हो, तो फिर ये व्हाट इज द होल पॉइंट ऑफ अक्यूमुलेटिंग दिस मनी। एंड आई थिंक इसमें मैंने एक बुक पढ़ा था, मैं साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो हर चैप्टर उसका बहुत बहुत रेलेवेंट है, भी हर चैप्टर के ऊपर आप कुछ ना कुछ एक कॉन्टेंट बना सकते हो। वो बोलते हैं फ्रीडम एग्जैक्टली क्या है? हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ है जो इज टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड से बॉस आई विल डू व्हाट आई वांट। द यूनिवर्सल फ्यूल ऑफ जॉय इज पीपल वॉन्ट टू कंट्रोल देयर लाइव्स, द एबिलिटी टू डू व्हाट यू वॉन्ट, क्या करना है, व्हेन यू वॉन्ट, कब, विद हु डू यू वॉन्ट, किसके साथ, एंड फॉर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, कब तक, इज प्राइसलेस, बिकॉज ये एक पावर है जो आपको मनी दे सकता है। इट इज दिस दैट मनी गिव्स यू दिस फ्रीडम कि मैं चूज करूंगा कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। तो क्या ये फ्रीडम सिर्फ ऑन्टरप्रिनरशिप के साथ आ सकता है? इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन्टरप्रिनरशिप में फ्रीडम कम होता है, जॉब में फिर भी फ्रीडम ज्यादा होता है। बिकॉज मैं जैसे बहुत सारे सैलरीड इंडिविजुअल्स को जानता हूँ जो वीकेंड्स पूरा डिजिटल वर्ल्ड से एकदम दूर रहते हैं, कंप्लीट फ्रीडम बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ के बीच में जो डिस्टिंक्शन है वो एकदम मेंटेन करते हैं। मेरे बहुत सारे कलीग्स थे जो एग्जैक्टली 6 o'clock ऑफिस छोड़ देते थे, एंड दे वुड से आई वांट टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी ड्यूरिंग द डे, एंड वी डोंट हैव टू स्लॉग इन ऑर्डर टू प्रूव दैट हम ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड कुछ थे जो बोलते थे यार रात को 11:30 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, बहुत डिमांड है जॉब का। तो ये फ्रीडम क्या पर्सनल चॉइस है? मतलब क्या वो इंडिविजुअल है जो 6 बजे जा रहे हैं विजावी जो 12 बजे जा रहे हैं, उनके बीच में क्या फर्क है? एक तो देखो प्रैक्टिकली स्पीकिंग बॉस का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आपका बॉस आपको चेन्स में बांध के रखना चाहता है तो वो चाहेगा ही, तो फ्रीडम कुछ हद तक बॉस भी डिटरमिन करता है। पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स मैंने देखा है जो सीरियसली फाइनेंशियल फ्रीडम को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइफ, वो है बी स्कूल के प्रोफेसर। जब मैं पढ़ता भी था IIM अहमदाबाद में, अभी जब मैं वेरियस टीचिंग असाइनमेंट्स की वजह से आई इंटरेक्ट विद वेरियस बी स्कूल प्रोफेसर, देयर इज वन थिंग कॉमन है कि यू कैन नॉट पिक अप अ फोन एंड कॉल अप अ बी स्कूल प्रोफेसर एंड जस्ट टॉक टू हिम, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू सेट अप अ प्री डिफाइंड टाइम एंड देन आपको उनसे बात करने का मौका मिलेगा। ऑफ कोर्स वेरी एफिशिएंट मेथड ऑफ लिविंग लाइफ, बट आपको कंपेयर करिए एक दुकानदार के साथ, एक बिजनेसमैन के साथ, उसे लगता है कि 10 से 7 के बीच में तो मेरा फोन बजता रहेगा और जितने फोन आएंगे मुझे रिसीव करने हैं, क्योंकि तो पता नहीं कौन सा कस्टमर मुझे क्या दे जाए। और अगर कोई रेगुलर कस्टमर भी मैं उसका फोन नहीं उठाऊं और किसी दूसरे के पास चला गया तो क्या? तो बट बिजनेसमैन तो देयरफॉर ये सोच ही नहीं सकते। बट अगेन ये भी हो सकता है कि प्रैक्टिस कितना मेच्योर है, 20-25 साल पुराना प्रैक्टिस है, तो कस्टमर ऐसा तो है नहीं कि आपका फोन आप नहीं उठाओगे तो भाग जाएगा। वो इनिशियल बुटीक फॉर्म चलाने वालों के साथ भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। रिसेंट पास्ट में मैं भी कई बार थोड़ा फ्रीडम के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मतलब बाई सेइंग नो टू वर्क। कई बार होता है मैं आई वुड जस्ट वॉक आउट ऑफ कॉन्वर्सेशन सेइंग कि अच्छा इसमें 3 दिन नहीं, इसमें तो 10 दिन लगेगा, मुझे पता है सामने वाला बोलेगा कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, सॉरी। अरे अच्छा, या मैं 1.5 गुना 2 गुना टाइम का प्राइस बोल देता हूँ कि भाई ठीक है 50,000 का काम है, 1 लाख रुपया बोल दिया, तो उससे क्या अपने आप सामने वाला मना कर देता है? वाई डू आई डू दैट समटाइम्स? लाइक मेरे को बस वाई भी अच्छा नहीं आता कि नहीं ये इंसान के साथ काम करके स्ट्रेस डिस्प्रोपोर्शनेट टू द मनी हो जाएगा, वाइब्स अच्छा नहीं आ रहा, छोड़ दो। ऐसा 2 साल पहले नहीं था, 2 साल पहले मैं सबका काम करता था, बट ये मेरे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स है फ्रीडम के साथ। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत लिबर्टी है अभी भी, मैं मोस्टली हाँ ही भरना पड़ता है मुझे, बिकॉज मुझे डर लगता है कि काम नहीं आया तो फिर सब कैसे चलेगा। लॉन्ग टर्म गोल मेरा फ्रीडम का विपश्यना कोर्स करने का, 10 दिन पूरा एयरप्लेन मोड में रह के। बट लास्ट टाइम मैंने जब रजिस्टर किया तो एक टैक्स ऑडिट का डेडलाइन आ गया किसी का,
एक इंटरनल ऑडिट का रिपोर्ट साइन ऑफ करना था, कुछ फर्दर रिपोर्ट्स इशू करने थे, एंड टीम उतनी अभी फिलहाल मैच्योर हुई नहीं थी कि दे वुड इंडिपेंडेंटली डू इट एंड जस्ट लेट इट गेट इशूड। बट वो मेरा लॉन्ग टर्म गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम का। कई बार मेरे ऐसे इंडिविजुअल्स भी आते हैं जो आज के डेट में मतलब दे स्लॉग फॉर सम टाइम इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, अक्यूमुलेटेड अ कॉर्पस, और उस कॉर्पस को उन्होंने बहुत गेनफुली स्टॉक मार्केट में लगा दिया है इन मल्टी बैगर्स, एंड नाउ दैट मनी वर्क्स फॉर देम इन टर्म्स ऑफ ऑल दोस पोर्टफोलियो स्टॉक्स। उसके जो हजारों इंप्लॉयज है इन सम वे और द अदर दे वर्क फॉर दिस इंडिविजुअल। तो अनदर पावरफुल एग्जांपल ऑफ हाउ फ्रीडम इज डिफाइंड इन द बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी की द मनी वर्क्स फॉर देम। पैसिव इनकम है, दे जस्ट स्पेंड द टाइम ऑन स्टॉक सिलेक्शन, मतलब दे जस्ट डिस्कस, रीड एनुअल रिपोर्ट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम मैनेजमेंट कमेंट्री की कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा है। वो मुझे लगता है कि हाँ ये फाइनेंशियल फ्रीडम का एक सही एग्जाम्पल है। तो आपका क्या आइडिया है फाइनेंशियल फ्रीडम का, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लेट्स अंडरस्टैंड कि मतलब व्हाट इज द एंड गोल, कि इतना पैसा तो हो जाएगा उसके बाद क्या, लेट्स अंडरस्टैंड। ऑलराइट, ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस अच्छे लगते हैं क्या विद रिस्पेक्ट टू मनी, विद रिस्पेक्ट टू करियर्स, जहां मैं आपके साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ जो आपको नॉर्मली इंटरनेट में कभी नहीं मिलेंगे। थैंक यू।